आज ही के दिन यानी 26 जून 1243 ईस्वी में कोसदाग की लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई मंगोलों और सलजोकी खानदान के दरमियान थी। ये लड़ाई रोम सल्तनत के तुर्की के कोसदाग के मुकाम पर लड़ी गई। मंगोलों की कमान बाइजो नुयान के हाथ थी। बाइजो नुयान मंगोल सल्तनत का एनातोलिया और जॉर्जिया में वासराय था, जिसे उगदाई हान ने इस ओहदे पर मुकर्रर किया था। उगदाई हान चंगेज़ खान का बेटा और मुकर्रर करदा जानशीन था, जबकि कोसदाग की लड़ाई में सलजोकियों की कमान सुल्तान कहसरुद्दौम के हाथ थी। लेकिन इस लड़ाई में मंगोलों ने सलजोकियों को फैसलाकुन शिकस्त दी और एनातोलिया में अपनी हुकूमत कायम की। आज ही के दिन 1564 ईस्वी में मुहद्दिस रहमानी इमाम रब्बानी अलमुजद्दद अलमुनव्वर अलफ़िसानी शेख अहमद सरहिंदी अलमारूफ़ मुजद्दद अलफ़िसानी की पैदाइश हुई। आप 10वीं सदी के नहायत ही मशहूर आलम व सूफ़ी हैं। आपकी पैदाइश मौजूदा भारतीय रियासत पंजाब के शहर सरहिंद ज़िला फ़तेहगढ़ में हुई। छोटी ही उम्र में कुरान करीम हिफ़्ज़ करके सियालकोट चले गए और वहाँ से अकाबर मुहद्दिसीन से फ़न हदीस हासिल किया। 17 साल ही की उम्र में तमाम मराहिल तलीम से फारिग होकर दरसो तदरीस में मशगूल हो गए। तसव्वुफ़ में सिलसिला चिश्तिया की तलीम अपने वालिद से हासिल की और सिलसिला कादरिया और सिलसिला नक्शबंदिया की तलीम दिल्ली जाकर हज़रत ख्वाजा बाकीउल्लाह से हासिल की। 1599 ईस्वी में आपने हज़रत ख्वाजा बाकीउल्लाह के हाथ पर बैत की। आपकी इल्म व बुजुर्गी की शोहरत इस कदर फैली कि रोम, शाम और अफगानिस्तान वगैरह बल्कि तमाम आलम इस्लाम के मशाही उलमा आकर आपसे मुस्तफीद होते। लोग आपको मुजद्दद अलफ़िसानी के हिताब से याद करने लगे। बाज़ रवायात से मिलता है कि हर 1000 साल के बाद तजदीद दीन के लिए अल्लाह ताला एक मुजद्दद मबूस फरमाता है। चुनाचे बहुत से उलमा का इत्तफाक है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद दूसरे साल के मुजद्दद आप हैं। आप तरीक़त के साथ साथ शरीयत के सख्त पाबंद थे। आपको अपने मुर्शिद हज़रत ख्वाजा बाकीउल्लाह की वफ़ात के बाद सिलसिला नक्शबंदिया की सरबराही का शरफ़ हासिल हुआ और आखिरी उम्र तक दावत व इरशाद से मुतल्लिक रहे। हज़रत मुजद्दद अलफ़िसानी तसव्वुफ़ के मुहालिफ नहीं थे, लेकिन आपने ऐसे तसव्वुफ़ की मुहालफत की है जो शरीयत के ताबे ना हो। आपके नज़दीक कुरान और सुन्नत की पैरवी और इरकान इस्लाम पर अमल ही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा बाकीउल्लाह के बाद आपने सिलसिला नक्शबंदी की तरक्की के लिए बहुत काम किया। मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर के दौरे हुकूमत में बहुत सी हिंदुवाना रसूम और रवाज और अकायद इस्लाम में शामिल हो गए थे। इस्लाम का तशहीस ख़त्म हो चुका था। इस्लाम और हिंदू मत में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। आपके मुताबिक दीन में हर नई बात बिदत है और बिदत गुमराही है, इसीलिए आपने जलालुद्दीन अकबर की सख्त मुखालफत की। आपको अपने मिशन की तकमील के लिए दौरे इब्तला से भी गुजरना पड़ा। बाज़ उमरा ने मुग़ल शहनशाह जहांगीर को आपके खिलाफ भड़काया और जहांगीर को यकीन दिलाया कि आप बागी हैं और ये बताया कि आप बादशाह को ताज़ीमी सजदा करने के कायल नहीं हैं। चुनाचा आपको दरबार में तलब किया गया और आपने जहांगीर को ताज़ीमी सजदा ना किया। जब जहांगीर ने वजह पूछी तो आपने कहा कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा जायज़ नहीं। ये अल्लाह का हक है जो उसके किसी बंदे को नहीं दिया जा सकता। जहांगीर ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हज़रत मुजद्दद अलफ़िसानी अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। बाज़ उमरा ने जहांगीर को हज़रत मुजद्दद अलफ़िसानी के कत्ल का मशवरा दिया, लेकिन आपके गैर मामूली असर व रसूख की वजह से ये मुमकिन ना हो सका, तो जहांगीर ने आपको ग्वालियर के किले में नज़रबंद कर दिया। आपने किले के अंदर ही तबलीग शुरू कर दी और कई गैर मुस्लिम को मुसलमान किया। किले के अंदर मुतय्यन फ़ौज में भी आपको काफ़ी असर व रसूख हासिल हो गया। बिलआखिर जहांगीर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ तो आपको रिहा कर दिया। रिहाई के बाद जहांगीर ने आपको अपने लश्कर के साथ ही रखा। 10 दिसंबर 1624 ईस्वी को बीमारी के दौरान आपने वसाल पाया और सरहिंद में तलू होने वाला सूरज हमेशा के लिए गरूब हो गया, लेकिन आपका मज़ारे पुर अनवर आज भी सरहिंद में मरकज़ अनवार तजल्लियात है। आज ही के दिन 1955 ईस्वी में चिराग हसन हसरत का इंतकाल हुआ। चिराग हसन हसरत उर्दू के मुमताज़ मतायबाद नगार, शायर, अदीब और सहाफ़ी थे। 1904 ईस्वी में बमियार कश्मीर में पैदा हुए।
حصول تعلیم کے بعد انہوں نے کلکتہ میں اخبار نویسی کا کام شروع کیا اور ایک اخبار کے لیے مزار نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ 1920 میں چراغ حسن حضرت نے شملہ میں ایک سکول میں بطور فارسی استاد شمولیت اختیار کی، جہاں چراغ حسن حضرت کی ملاقات مولانا ابوالکلام آزاد سے ہوئی۔ آپ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ چراغ حسن حضرت نے اعتراف کیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے نہ صرف صحافت بلکہ سیاست اور ادب کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھا۔ چراغ حسن حضرت کانگریس کے حامی تھے اور 1928 میں نہرو رپورٹ کی حمایت میں انہوں نے بہت سے کالم لکھے۔ چونکہ بہت سے مسلمانوں نے اس رپورٹ کو مسترد کیا تھا، اس لیے اس رپورٹ کی پشت پناہی کرنے کی وجہ سے چراغ حسن حضرت مسلمانوں میں اپنی مقبولیت کھو بیٹھے۔ 1929 میں چراغ حسن حضرت مولانا ظفر علی خان کے ساتھ کام کرنے کے لیے لاہور آئے۔ لاہور میں چراغ حسن حضرت نے مختلف اخبارات کے لیے لکھا۔ 1940 میں چراغ حسن حضرت نے دلی میں آل انڈیا ریڈیو میں شمولیت اختیار کی۔ قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان میں قومی پروگرام کے ڈائریکٹر ہو گئے۔ چراغ حسن حضرت 26 جون 1955 کو انتقال کر گئے اور انہیں میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔